In spiritual life, it is said that you have two paths. One is the path of spirituality, but you still maintain your grasp, then it's the path of karma yoga, in which you lose your doership, but you continue to be worldly and live in the world and not be of it. And the other one is the path of sannyas. And also in akram path, from little I've gathered, is most of the devotees are maintaining their household, but there are few in who have taken brahmacharya, and they are like sort of neo-sannyasis, although they're not extremes like in the past where people used to go and live in the forest and caves and the society used to look after them. So in these two paths, which one is actually more recommendable for a person who has a really intensity? It all depends. I will talk in Hindi. वो हर आपका जो प्रश्न है कि सन्यास लेकर मोक्ष प्राप्त करें या फिर गृहस्थ में से मोक्ष प्राप्त करें, दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो इसका डिपेंड्स है. हर किसी के जो इस कर्म के हिसाब में है वही उसके पास आएगा. उसके कर्म में अगर गृहस्थ जीवन है तो वही उसको आएगा. ऐसा जरूरी नहीं कि सभी ने संन्यास लेना चाहिए. सब भगवान महावीर, सब तीर्थंकर, कृष्ण भगवान, सब तो गृहस्थ जीवन में थे. एंड में सब छूट जाता है और फिर मोक्ष में चले जाते हैं. और जिसके जीवन में पिछले जन्मों में कुछ भावना की होगी कि ब्रह्मचर्य की आराधना करते करते आए हैं, ब्रह्मचर्य ही होना चाहिए, तो उसके चार्ज उस पिछले लाइफ में किया है ब्रह्मचर्य, तो इस लाइफ में डिस्चार्ज में उसको ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है. लेकिन ये चार्ज ऐसा करने वाले बहुत कम रहते हैं, ज़्यादा तो गृहस्थी रहते हैं. गृहस्थाश्रम में रह के भी ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए आत्मा का, ऐसे भाव करके आए हुए रहते हैं. परंतु जो ब्रह्मचर्य के अभी इसमें फर्क क्या है, संसारी, गृहस्थी और त्यागी, वैरागी, ब्रह्मचारी. यही प्रश्न दादाजी को एक भाई ने पूछा था कि भाई हमारे में, हम वो गृहस्थी था तो पूछ रहा था कि हमारे में और ये ब्रह्मचारी में मोक्ष में जाने में क्या अंतर होगा. हमको तो लगता है इनका जल्दी हो जाएगा, हमारा लेट होगा. दादाजी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क ऐसा नहीं हो सकता है. फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप मोक्ष मार्ग में चलते हैं तो जो ब्रह्मचारी है उसको सर पे कोई बिस्तर बोझा नहीं है, बैग बिस्तरा कुछ नहीं है, आराम से हाथ हिलाते हिलाते टहलते मजे से जा सकता है. और जो गृहस्थी है उसके सर पे तो बिस्तरे पोटले कितने सारे रखे हुए हैं, वो उठा के उसको ले जाना और फिर जाके बढ़ना, चलना रास्ते पे. लेकिन रास्ता सरी का है और जाने के लिए हमने जो बना दिया है ज्ञान आज्ञा, वो सभी के सरी कर, दोनों के लिए सरी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है. ये सर पे जो बर्डन है उसमें फ़र्क है. अभी आपकी जितनी ताकत है उतने बिस्तरे आपके सर पे रखो. तो सब कहते हैं, चेतन कहता है भाई एक ही में तो परेशान हो गया, तो और दो चार कहाँ से लाओ, कैसे उसको पालो. जैसे पहले पुस्तकों में लिखा है कि पहले हमारे भारत के अंदर और अभी तो इतना नहीं है, लोग पहले ब्रह्मचारी शुरू करते थे, फिर स्टूडेंट का लाइफ, फिर गृहस्थ का लाइफ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास में वो चार आश्रम, स्वर्ण आश्रम, अरे चार आश्रम बताए थे लाइफ वर्ण आश्रम, लेकिन चार आश्रम जीवन के, तो वो व्यवस्था अभी नहीं रही है. पहले वो करते थे, अब नहीं रहा है. अहंकार का कर्तव्य क्या होता है? अगर अहंकार न हो तो हम कर्म करेंगे क्यों? जी कुछ हो रहा है वो अहंकार नहीं कर रहा है.
ये तो अहंकार की ही बिलीफ है कि मैं कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते हो, आपने बड़े बड़े लड्डू दो खा लिए, तो लड्डू कौन खाता है? आप क्या कहते हो, मैंने दो लड्डू खाए. मैंने यानी मैंने लड्डू खाए, वो कहता है, कहने वाला अहंकार है. दरअसल में खाने वाला कौन है? आपका नाम क्या है? नाम बताने में शर्मिंदा हूं. इसमें क्या इसलिए कि हम नाम क्यों देते हैं एक दूसरे को, वो भी एक प्रश्न था. नहीं, जब कि हम नाम क्यों देते एक दूसरे का. चलो आप, मैं एक्स वाई जेड हूँ, आपका नाम नहीं मैं बताऊंगा. मेरा नाम प्रताप दिया गया है, मैंने खुद नहीं अपना है, प्रताप माँ बाप ने दिया है. हाँ, कोई कोई खुद नाम, किसी को राइट ही नहीं है, किसी को चॉइस ही नहीं है अपने नाम रखने का. यही प्रश्न था. अरे को कोई और ही देता है और हमें ही सारी जिंदगी भर वो नाम को यूज कर उठाना है, उसका उपयोग करना है. और हमारी चीज़ हमको, हमारी चॉइस नहीं, कहीं किधर भी हमारी चॉइस नहीं है. हम मानते हैं लेकिन है नहीं. तो ये जब खाना खाते हैं, प्रताप खाते हैं, उसके दांत चबाते हैं, पेट पेट में पड़ गिरता है, इंटेस्टाइन उसको बचाते हैं, सब कुछ ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स का काम है, शरीर का भाग है, वो करता है. लेकिन अहंकार क्या कहता है? जो कहता है ना, मैं खाता हूँ, मैंने खाया, इसे जो करता है कोई और मानता है कि मैंने किया, इसको अहंकार कहा जाता है. अहंकार तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है, कुछ थूल नहीं है. लड्डू तो इतने बड़े बड़े हैं, वो थोड़ी खा सकता है. अहंकार तो सूक्ष्म है और यह स्थूल है. स्थूल स्थूल को ही खाता है, समझ में आया ना? लेकिन जो मानता है कि मैंने खाया, जो भी कुछ क्रिया होती है तो मानता है मैंने किया, तो ये अहंकार है. तो यह क्रिया तो होती रहेगी, आप पैदा हुए वहां से लेके तो मरते तक वो क्रियाएं होती रहेगी. और यह सब क्रियाएं जो आप जो लेकर आए हैं, चार्ज करके आए, वो डिस्चार्ज होती रहेगी और चलते रहता है. ये अहंकार नहीं रहा तो ये रॉन्ग बिलीफ, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं भुगतता हूँ, यह निकल जाता है. तो क्या होता है कि आपको कोई सफरिंग नहीं लगती है, सुख दुख की फीलिंग अहंकार को है, तो यह सबसे पर हो जाते हैं. अहंकार नहीं रहा तो फिर अब मैं कौन? मैं प्रताप नहीं हूँ तो फिर मैं कौन? तो मैं आत्मा हो गया. प्रताप बिल्कुल अलग एंटिटी है, टोटल 100%. उसकी क्रिया चलती रहती है. हम हमारे में प्रताप प्रताप में एक दूसरे को कोई ऑब्स्ट्रक नहीं करता है, कि उसको पुश भी नहीं करता है. सहज चलते रहता है जीवन. जो जीवन चलता है सहज, क्रियाएं सब होती है. आपको लगता है कि ये तो अहंकार करते हैं प्रताप भाई, लेकिन वह डिस्चार्ज अहंकार रहता है, ड्रामेटिक अहंकार रहता है. वो अंदर वाला जो चार्ज करने वाला है, रियल अहंकार है, वो नहीं रहता है. फिर भी सरस बहुत अच्छी अच्छी तरह से संसार चलता है, और अच्छा चलता है. अभी तो अहंकार से भुगतना आता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी दुख कभी सुख, सच चलता रहता है. फिर बाद में ये सब नहीं रहेगा. एक सरीखा अंदर. इसी तरह से इसी अहंकार को बीच में से हटा के अर्जुन ने सारे महाभारत का युद्ध खेला, करोड़ों को मार डाला. लेकिन एक कर्म नहीं बंधा गया, उसी जन्म में वह मोक्ष में गया. सारा ड्रामा खेल तो पूरा किया, ड्रामा किया. कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने सारे कर्म, तो उनके भी थे,
अपने जैसे ही था, उनको भी पत्नी थे, बच्चे थे, सब कुछ था, कर्म कितने सारे, रामायण महाभारत की, भागवत की क्या कितनी बड़ी बड़ी स्टोरियाँ हो गई, कहानी हो गई, कथा हो गई, इतने सारे तो उनके कर्म थे। लेकिन उन्होंने कर्म बांधे नहीं, छोड़े, क्योंकि वह ड्रामेटिक थे, रियल में नहीं था, भीतर से अलग ही थे, आत्मा रूप थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखवाया तो खुद को नहीं होगा। रामचंद्र जी भी यही दृष्टि पाकर तो मोक्ष में गए उसी जन्म में। भीतर के तो सारे कर्म थे उनके भी, जब सीता को उठा के ले गया था रावण, वो भी सीते सीते करते रोते रोते चले थे। तो हमको लगेगा, सबको लगेगा, अरे ये तो अपने जो अपने जैसी हालत है इनके, वाइफ अगर चली गई रूठ के मायके तो हम भी सीते सीते करेंगे, रोएंगे, बाहर नहीं दिखाएंगे लेकिन अंदर तो यही चलता रहता है। लेकिन उनमें और इसमें फर्क था, फर्क है, उनके ख्याल में ही है कि रियल में ये पत्नी नहीं, रियल में मैं पति नहीं हूँ, ये सब ड्रामा है, पूरा करने का है कर्म का खेल। भक्ति और सम्यक दृष्टि का क्या संबंध है? भक्ति, हाँ, भक्ति दो प्रकार की है, एक अज्ञान भक्ति और दूसरी ज्ञान भक्ति। सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के बाद की जो भक्ति है वो ज्ञान भक्ति कहते हैं। परा और अपरा भक्ति कहते हैं ना, परा भक्ति होती है। और अज्ञान दशा की जो अज्ञान भक्ति है, इसमें क्या होता है, आपका नाम क्या है? अश्विन। अश्विन, अश्विन, अज्ञान दशा में मैं अश्विन हूँ, मैं भक्त हूँ, और भगवान, फिर जो भी आपका आराध्य, कृष्ण हो, राम हो, महावीर हो, जो भी हो, ये भगवान और मैं उसका भक्त, इस तरह से फिर भक्ति होती है। और ज्ञान दृष्टि होने के बाद उसको रियलाइज होता है कि रियल में भगवान कौन है, कहाँ है, तो उसको ये भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। बाहर इधर उधर नहीं है, मेरे अंदर है, मैं और वो अलग नहीं है, एक ही है। तो तू ही के बजाय हूँ ही, मैं ही, मैं ही, मैं ही हो जाता है। फिर एक हो जाते हैं भक्त और भगवान, उसको पराभक्ति के। फिर अगर अश्विन भक्ति करे तो अपने अंदर वाले का करते हैं, खुद के अंदर वाले परमात्मा का। अभी आप तो बाहर वाले को करते हैं, कृष्ण के, फॉर एग्जांपल अगर कृष्ण भगवान का करे तो कृष्ण भगवान तो खुद ने कहा है अर्जुन को कि अर्जुन तू जिसे पहचानता है कृष्ण, वो कृष्ण मैं नहीं हूँ। दरअसल में रियल में मैं यह कृष्ण नहीं हूँ, तू मुझे पहचानता ही नहीं, मेरा रियल स्वरूप क्या है। रात दिन साथ में रहने वाला सखा, गुरु, साले बनोई का रिलेशन वाला अर्जुन खुद इतने सालों के बाद भी कृष्ण भगवान को नहीं पहचान पाया था, भगवान को खुद को कहना पड़ा था तू मुझे नहीं पहचानता। उन्होंने कहा तू जिसको देख रहा है कृष्ण, मैं कृष्ण ऐसा पहचानता है, असल में मैं यह हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। और तू खुद जो मानता है कि मैं अर्जुन हूँ, तो वो भी तू नहीं, तू भी आत्मा ही है। तेरे और मेरे स्वरूप में, इन सारे सब के स्वरूप में कोई फर्क नहीं है, सारे लोग आत्मा ही है। पर क्या है कि मैंने इसको पहचाना है, तू नहीं पहचान पाया है। यहाँ तक के कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तेरे अनंत जन्म हो गए, मेरे भी अनंत जन्म हो गए। फर्क क्या है कि तू सब भूल गया और मुझे ख्याल में है। डिफरेंस अवेयरनेस में, रियलाइजेशन में है, बाकी तो कोई फर्क नहीं है। फिजिकल बॉडी ने को तो उन्होंने खुद ने कहा कि यह तो विनाशी है,
औरों के लिए विनाशी कहते थे तो क्या उनके लिए नहीं था? उनकी भी तो बॉडी का विनाश हो गया। वो शिकारी का तीर लगा और उनका देह नष्ट हो गया। सबका हुआ, महावीर का हुआ, राम का हुआ, सबका हो गया। उनको ये ख्याल में था कि ये शरीर यह हम नहीं है, हम तो आत्मा परमात्मा स्वरूप है। ये जब रियलाइजेशन हमको होता है तब यह भेद चले जाता है कि कृष्ण अलग है और मैं अलग हूँ, कृष्ण भगवान है और मैं भक्त हूँ। नहीं, फिर कृष्ण भगवान ने जो बात बताई कि मैं आत्मा हूँ और तू भी आत्मा है, दोनों एक ही स्वरूप है, फर्क नहीं है इसमें। तब मेरे अंदर जो मेरा आत्मा है वही परमात्मा है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही महावीर है। फिर अगर अश्विन अगर किसी की भक्ति करे तो अपने अंदर वाले की करेगा जो खुद के पास ही है, जो रियल में है। बाकी तो सब कल्पनाएं करके है, फिजिकल जो कल्पनाएं करके कैसे कृष्ण थे, राम कैसे थे, महावीर कैसे थे, रियल नहीं। फिर भी जब तक यह रियलाइजेशन नहीं होता है, पराभक्ति नहीं होती तब तक यह अपराभक्ति तो करनी ही चाहिए। ज्ञान नहीं होता है तब तक अज्ञान भक्ति भी तो करनी चाहिए, नहीं तो जुगाड़ खेलने चले जाएंगे कैसीनो में अपने लोग। तो इतना भी करना चाहिए ताकि एक दिन आगे बढ़ते 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 अल्टीमेट ज्ञान भक्ति में आ जाएंगे। भक्ति और ज्ञान दोनों साथ में ही है, पैरेलल, एक कॉइन के दो साइड्स है, अलग नहीं है। कई लोग कहते हैं भक्ति से मुक्ति है, कई लोग कहते हैं ज्ञान से मुक्ति है, लेकिन दोनों गलत है। दोनों भक्ति और ज्ञान दोनों साथ में है, दोनों एग्जैक्टनेस में रहेगी तभी मुक्ति होगी। भक्ति और ज्ञान में क्या फर्क है? भक्ति किसे कहा जाता है, ज्ञान किसे कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको सिडनी एयरपोर्ट जाना है और आप इस शहर से बिल्कुल अनजान है, कुछ मालूम नहीं है, तो आपको सबसे पहले जाने के लिए क्या करना चाहिए? सिडनी एयरपोर्ट जाने की सारी डायरेक्शंस लेनी चाहिए, कैसे जाना, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, रास्ते का। आपके पास डायरेक्शन आ गई तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि आप पहुंच गए। उस डायरेक्शन के हिसाब से, उस जाने रास्ते का ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। चलने की क्रिया यह भक्ति है और आपके पास जो डायरेक्शन आ गया रास्ते का वो ज्ञान है। अकेला ज्ञान से आपको मुक्ति नहीं मिली, डेस्टिनेशन आपकी नहीं आती है, और अकेले भक्ति से चल चल करे लेकिन रास्ते का ज्ञान नहीं है, आपका सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्ची इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप भटकते ही रहोगे। दोनों चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए, फिर सच्चा रास्ते से चलने के लिए आपकी तैयारी चाहिए, तो डेस्टिनेशन आएगा। एक से नहीं होता है। भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क ज्ञान कहा जाता है, और ज्ञान के बिना की भक्ति अज्ञान भक्ति कही जाती है। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। और एक प्रश्न है, आत्मा की रुचि हो और सम्यक दर्शन यही नहीं होती है तो क्या दूसरे जन्म में हो सकता है? बहुत तीव्र रुचि रही तो इसी जन्म में हो जाता है, और कुछ थोड़ा संसार भी मीठा लगता है, थोड़ा आत्मा भी मीठा लगता है, यूं यूं दोनों में हो तो फिर थोड़े ज़्यादा जन्म काटने पड़ते हैं। कितनी हमारी आत्मदर्शन सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तीव्र झंखना है, तीव्र इच्छा है, उस पर आधार है। आपो आप संजोग मिल जाते हैं। जिसको तीव्र इच्छा है कि मुझे आत्मा प्राप्त करना है, उसे ज्ञानी घर पर आकर आत्मा का ज्ञान दे जाते हैं। इतना पावर है हमारी इच्छा में।
सपोज यहाँ पर अभी तो दो दिन से बहुत बारिश था, बॉम्बे के जैसा बारिश गिर गया, बहुत बारिश गिर गया, बॉम्बे में तो कितना बारिश गिरे तो फिर यहाँ यहाँ तक पानी हो जाता है सारे स्ट्रीट पे, रेलवे लाइन बंद हो जाती है, कार टैक्सी बस कुछ चलता नहीं है, ऐसे हालत हो जाती है, तो लोग रास्ते में भटक जाते हैं। तो क्या आपने ऐसा देखा है कि वो भटक के भटक गए हुए लोग चार चार दिन पाँच पाँच दिन तक भटके हुए है? नहीं, कैसे भी करके वो घर को पहुंच जाते हैं 2 बजे 3 बजे 4 बजे सुबह में, कुछ न कुछ रास्ता उसको मिल ही जाता है। ट्रेन बंद है तो बस ट्राई करते, बस नहीं है तो खटारा गिर खटारा नहीं थोड़ा चल के पानी में चल कर भी कहीं ना कहीं से भी किसी तरह से घर पहुंच ही जाते हैं। उसको मिल जाता है रास्ता, क्यों? क्योंकि उसको घर पहुंचने की तीव्र झंखना है, तीव्र इच्छा है, डिजायर है, इतनी स्ट्रांग है वो डिजायर, को कैसे भी कर कर वो पहुंच जाता ही है। वो कुछ बस स्टेशन में या रेलवे स्टेशन पे 8-8, 10-10 दिन तक भटका हुआ नहीं दिखाई देगा। इवन एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा भटका हुआ यहाँ नहीं दिखाई देगा, नहीं मिला तो दूसरी फ्लाइट तीसरी फ्लाइट कहीं से ना कहीं वाया वाया करके भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है। ऐसे ही है जिसको आत्मा प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता कभी मिल जाता ही है। इतना पावर है हमारे दिव्य झंखना में।